जेम सैनिक मर हमर स्थिति अपन नींद ला कुर्बान करके अपन नाखून से पर्वत ला काट के वो बर्फीला पर्वत ला हमर लिए सुकून के नींद लाते आप सबके तालीम और काव्य पाठ के दौरान ओकर माँ बाप तक पहुंचना चाहिए जेकर बेटा ये देश के काम आते। चार पंक्ति रखा था कि मैं गाली मानू नहीं सजनी व साजन के कभी मैं गीत लिखता हूँ नहीं सजनी व साजन के कभी मैं गीत लिखता हूँ नहीं लैला व मजनू के कभी मैं प्रीत लिखता हूँ वतन ही आन है मेरा वतन ही शान है मेरा वतन ही आन है मेरा वतन ही शान है मेरा मैं अपने मुल्क को हरदम सदा मन मीत लिखता हूँ मैं अपने मुल्क को हरदम सदा मन मीत लिखता हूँ। चार पंक्ति जब कहे जाते देश माँ सैनिक मन ला भलो हिंदू मुसलमान के आधार पे बांटे जाते कि फलाना सैनिक हिंदू है फलाना सैनिक मुसलमान रसखान के परंपरा के निर्वहन करत हमारे आदरणीय मीर जी मंच में बैठे हुए जिन कलाम और रसखान के परंपरा ला आगे बढ़ाते जिन माता कौशल्या के जय बुलाते माता भारती के जय बुलाते वंदे मातरम बोलते एक दो आदमी हो सकता थे जिन नमक हराम हो सकता थे एकर कारण 25 करोड़ जिन हमारे देश भक्त भारतीय मुसलमान है ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह उठानी उठानी प्रणाम करते हुए चार पंक्ति रखा था कि वो सैनिक के का धर्म होते ना वो हिंदू हो ना मुसलमान हो वो ओकर धर्म होते सिर्फ हिंदुस्तानी। चार पंक्ति रखा हो का सोचते हो सीमा में खड़े हुए कि माटी ही है कर्म मेरा माटी ही है धर्म मेरा माटी का ही गुणगान हर क्षण गाऊंगा कि माटी आने बान शान माटी मेरी पहचान माटी मेरा स्वाभिमान सबको बताऊंगा कि भगत शेखर शिवा बोस राणा हमिद सा माने इसे चंदन में माथ पे लगाऊंगा और इसके रक्षार्थ घर शीश भी कटाना पड़े हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा इसके रक्षार्थ घर शीश भी कटाना पड़े हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। और वीर रस की आवश्यकता इस देश को क्यों पड़ती है वीर रस की कविताओं की आवश्यकता इस देश को क्यों पड़ती है कि जब तक गूंजित स्वर है देश में जन गण मन के क्रंदन के जब तक सुर जिंदा है भारत में आतंकी वंदन के और सैनिक के जब गिरे बाण पर हाथ है आतंकी दिखते हैं कश्मीर में एक सैनिक के गिरे बाण पर हाथ पकड़ दिया एक आतंकवादी ने तब कहा था कि सैनिक के जब गिरे बाण पर हाथ है आतंकी दिखते हो कलम मेरी लिखना पाएगी गीत पायल या कंगन कलम मेरी लिखना पाएगी गीत पायल या कंगन के और गरिमा मेरे स्वाभिमान की कभी नहीं चुक सकती नजर मेरी ये किसी के सम्मुख कभी नहीं झुक सकती है और जब तक एक बूंद भी आंसू है मेरी भारत माँ की आंखों में तब तक मेरे इनकलाब की कलम नहीं रुक सकती वाह क्या बात मेरे इनकलाब की कलम नहीं रुक सकती है। और जब हम आमोद प्रमोद में डूब कर उन तीन नादान तीन किशोर वय अवस्था में नौजवान जब फांसी को छू कर इनकलाब बोलते हुए फांसी पर चढ़ जाते हैं परंतु हम उनके योगदान को भूल जाते हैं भगत सिंह और साथियों की और आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाते हैं तब चार पंक्तियां जागरण की इस बांधा टोला के पावन मंच से रखता हूँ कि आजादी के दीवानों को कभी ना भूल जाना तुम वतन के उन सितारों को कभी ना भूल जाना तुम अरे हमारे कल की खातिर हंसते हंसते झूले फांसी पर हिंद के उन परवानों को कभी ना भूल जाना तुम हिंद के उन परवानों को कभी ना भूल जाना तुम। एक सत्य से आप सभी को जोड़ता हूँ आप कवियों के नाम भूल जाएंगे मीर अली मीर सुनील शर्मा और बाकी साथियों का नाम भूल जाइए हमें तकलीफ नहीं परंतु जिस बेटे का नाम ले रहा हूँ उसका नाम मत भूलिएगा। रायगढ़ का एक 18 साल का बेटा नंद कुमार साहू सत्य घटना उसकी ड्यूटी लगती है सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में सेवा के दौरान तीसरे माह में उसकी हत्या कर दी जाती है टांगी मार के नक्सलियों द्वारा। तब चार पंक्तियां रखता हूँ उसके माँ ने भी कवि सम्मेलन का आयोजन कराया उसकी मृत्यु की बरसी पर रोते हुए चार पंक्तियां मन से लिखी कि उस माँ के लिए मैं क्या लिख दूं उस माँ के लिए कि मैं उसके दर्द को व्यक्त कर सकूं। चार पंक्तियां मैंने लिखी
माँ के दर्द को व्यक्त करते हुए उस माँ ने क्या कहा होगा जब वो बेटा तिरंगे में लिपट कर अपने घर आया होगा। स्वागत माँ ने कहा होगा कि वादा किया था तूने जो उसको निभाया है, वादा किया था तूने जो उसको निभाया है, दुश्मन के हर वार को सीने में खाया है, गम है तुझे खोने का पर ये गर्व भी मुझको, बेटे गर्व भी मुझको, गम है तुझे खोने का पर ये गर्व भी मुझको, बेटे गर्व भी मुझको, बेटे तूने मेरे दूध का कर्जा क्या बात, तूने मेरे दूध का कर्जा या चुकाया है। बहुत धन्यवाद। इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं नमक हराम जो भारत का खाते हैं परंतु गुण गाते हैं सीमा पार पार। चार पंक्तियां ऐसे लोग जब बोलते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, चार पंक्तियां जवाब देने के लिए रखता हूं कि भारती संग सदा ही वफा कीजिए, इसको भूमि नहीं माँ कहा कीजिए। क्या बात क्या बात क्या बात। पाल कर पोस कर है बढ़ाया तुम्हें, पाल कर पोस कर है बढ़ाया तुम्हें, इसका खा कर नमक मत दगा कीजिए। क्या बात क्या बात। खा कर नमक मत दगा कीजिए। इस देश देशभक्ति सिर्फ सीमा में खड़े होकर लड़ना नहीं है मित्र, अगर हम रास्ते पर बिना मतलब गजगा फैलाना बंद कर दे तो भी एक देशभक्ति कहलाती है। अगर हम अपने काम को बिना हम भ्रष्टाचार के करना चालू कर दे तो भी एक देशभक्ति है। अगर हम बीच रास्ते पर थूकना, बहनों को परेशान करना, जो व्यक्ति का परेशान करता है उनके लिए ये भी करना बंद कर दे तो ये भी एक देशभक्ति है। देशभक्ति के कई प्रकार होते हैं, परंतु इस देश का दुर्भाग्य है कुछ बाबा अपने नाम के पीछे राम लगा लेते हैं और भगवान राम के नाम को बर्बाद बदनाम करते हैं। तब चार पंक्तियां लाना की ऐसे बाबाओं को भेजता हूं कि कुछ एक दो चार बाबाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाने से संत परंपरा बदनाम नहीं हो सकती। हम शंकराचार्य के परंपरा, हम घासीदास जी के परंपरा के मानने वाले, चार पंक्तियां रखता हूं कि राम नाम बदनाम करे वह कभी ना महिमा मंडित हो, राम नाम बदनाम करे वो कभी ना महिमा मंडित हो, अरे धर्म सनातन की यह मूरत पापों से ना खंडित हो, अरे अपराधी अपराधी है चाहे हो हिंदू या मुस्लिम, जो दोषी है उनको टांगो मुल्ला हो या पंडित हो। क्या बात क्या बात। चार पंक्तियां फिर जवाब ऐसे ही बाबाओं को देता कि धर्म सनातन के इस गंगधार में जो नालियों का पवित्र नीर घोलते हैं जी, वाणी धर्म सनातन के इस गंगधार में जो नालियों का पवित्र नीर घोलते हैं जी, धरवाना भगवा पहन कंठहार जो कि खुद को यहाँ पे बाबा पीर बोलते हैं जी। क्या अरे दास दास कहते जो स्वयं भगवान बन, हम दास नहीं कहते हैं और एक दिन क्या बन जाते हैं भगवान, दास दास कहते जो स्वयं भगवान बन, काम के अधीन हो अधीर डोलते हैं जी, काम के अधीन हो अधीर डोलते हैं जी, ऐसे पापियों के मुंड काट के संहार करो आस्था के नाम पे जो चीर बोलते हैं जी। क्या बात। ऐसे पापियों के मुंड काट के संहार करो आस्था के नाम पे जो चीर खोलते हैं जी। चार पंक्तियां रखता हूं ऐसे व्यक्ति के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं है मित्र, अभी कुछ ही दिनों पूर्व उनका देहावसान हो गया, पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। आजाद शत्रु जीते जी किसी भी एक शत्रु का ना होना बड़ी विचंभ अचंभे वाली बात। तब चार पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ कि अटल जी क्या थे, कि राजनीति के कीचड़ में तुम बन करके कमल रहे, अमरीकी प्रतिबंधों के आगे भी बिल्कुल अटल रहे, अरे जाते वक्त भी देश को तुमने एक सूत्र में बांध दिया, मौत भी रोते रोते कह गई अटल बिहारी अमर रहे। क्या बात क्या बात। भी रोते रोते कह गई अटल बिहारी अमर रहे। चार पर एक कविता मैं अटल जी पर रखता हूं।
इस कविता को पढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अटल जी ने व्यक्तित्व की चार बिंदुओं पर मैंने प्रकाश इस कविता में डाला। पहला बिंदु एक देश प्रेमी, दूसरा बिंदु एक विकास पुरुष, तीसरा बिंदु एक कवि और चौथा बिंदु जो है एक आदर्श चरित्रवान व्यक्ति। आइए कविता रखता हूँ सीधे मैं बिना भूमिका के कि राजनीति का अर्थ विश्व को समझा कर तुम चले गए। क्या क्या होता है जीवन जीना बदला कर तुम चले गए। वाह वाह। राजनीति का अर्थ विश्व को समझा कर तुम चले गए। क्या होता है जीवन जीना बदला कर तुम चले गए। अरे अहम नहीं था किंचित तुम्हें नहीं किसी से डरते थे। अहम नहीं था किंचित तुम्हें नहीं किसी से डरते थे। अरे हो परिस्थितियां जैसे भी तुम सत्य मार्ग पर चलते थे। पक्ष और विपक्ष को तुमने एक समान सम्मान दिया। पक्ष और विपक्ष को तुमने एक समान सम्मान दिया। सदा सियासत में होठों को प्रेम का तुमने गान दिया। सदा सियासत में होठों को प्रेम का तुमने गान दिया। अरे राजनीति के मिथकों को सारे झुठला कर चले गए। क्या होता है जीवन जीना बदला कर या चले। क्या बात बदला कर चले गए। और एक हिंदी प्रेमी कि अंदर से थे जैसे तुम बाहर से वैसा दिखते थे। बड़े धुरंधर कवि अटल थे काल कपाल पे लिखते थे। वाह। जब भाषण देते थे तुम सब मंत्र मुग्ध हो सुनते थे। कविताओं में सबल राष्ट्र के सपनों को नित गुनते थे। विश्व पटल पर हिंदी को पहचान दिला कर चले गए। क्या होता है जीवन जीना बदला कर तुम चले गए। और विकास पुरुष सुदूर ग्राम को सड़कों द्वारा शहरों से तुमने जोड़ा था। और नापाती जब हाथ उठे करगिल में उनको तोड़ा था। और स्वर्णिम चतुर्भुज का जाल तुम्ही ने भारत में था फैलाया। पश्चिम के रोक पर भी तुम पोखरण में था दिखलाया। भारत को परमाणु शक्ति देश बना कर चले गए। क्या होता है जीवन जीना बदला कर। वाह क्या बात जीवन जीना बदला कर चले। आखिरी बंद रखता हूँ कि सदियों में कोई तुमसा बिरला ही पैदा होता है। अटल जी जैसे महापुरुष सदियों में एक बार पैदा लेते हैं मित्र। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ कि सदियों में कोई तुमसा बिरला ही पैदा होता है। जो कृतित्व से अपने मित्र भाईचारा को बोता है। जो स्वदेश की खातिर अपना जीवन अर्पित करता है। भारत माँ के चरणों में सर्वस्व समर्पित करता है। वाह क्या बात। अटल जी का कहना था राजनीति आएंगी जाएंगी, राजनेता आएंगे जाएंगे, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। तब कहता हूँ कि सदियों में कोई तुमसा बिरला ही पैदा होता है। जो कृतित्व से अपने मित्र भाईचारा को बोता है। जो स्वदेश की खातिर अपना जीवन अर्पित करता है। भारत माँ के चरणों में सर्वस्व समर्पित करता है। राष्ट्रवाद है सबसे बढ़कर यह सिखला कर चले गए। क्या होता है जीवन जीना बदला कर तुम चले। वाह क्या बात जीवन जीना बदला कर तुम चले गए। क्या होता है जीवन जीना बदला कर तुम चले गए। और मित्रों